cool. दर्शकों, आज बेंजो टीवी की तरफ से मैं हर्षा गुंडला आपके सामने आपके लिए हमारे स्टूडियो में बुलाए गए हैं पंडित जी, जिनका नाम है उमेश स्वामी। ये अपने ज्योतिष कार्य में बहुत ही अच्छी तरह से माहिर है, तो हम उनके बारे में एक छोटी सी इंट्रोडक्शन ले लेंगे और बाद में देखते हैं उनका नॉलेज हमारे लिए आपके लिए कितना मायने रखता है। तो दर्शकों, पंडित जी उमेश स्वामी, उमेश जी आपके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए कि आप ज्योतिष में क्या क्या जानते हैं। दर्शकों, मैं पंडित उमेश स्वामी साउथ से हूँ, कर्नाटका से, और मैं हॉरोस्कोप, जन्म कुंडली और फेस रीडिंग करता हूँ। फेस रीडर भी हूँ और हॉरोस्कोप जन्म कुंडली भी देखता हूँ। अच्छा। और वो देख करके मैं सब कुछ बताता हूँ। ओके पंडित जी, अभी सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूंगी कि मेरा फेस रीडिंग कीजिए और दर्शकों को कुछ बताइए कि आपको मेरा फेस रीडिंग करके क्या लगा। नहीं, जैसे आपको मैंने देखा जी, तो आपको देखकर मुझे बहुत बड़ा प्रभाव, अंदरूनी प्रभाव जागृत हुआ। ओके। जैसे आपका माथा, आपका फेस जो देखा, जिसे गणियोग कहा जाता है, गजराज कहा जाता है। अच्छा। तो गजराज का फेस बहुत ही मध्यम और पुरुषार्थ होता है। ओके। पुरुष के भांति और बाल्य से पुरुषार्थ की भांति अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि पीछे मुड़कर देखने वालों में से नहीं, स्त्री होते हुए भी पुरुष भाव। अच्छा। और जैसे माता पिता स्थान में भी जो आपका जीवन होता है, ये मतलब जैसे पुत्र भांति ही जीवन व्यापन हुआ। Okay. पुत्र के भांति पालन पोषण वगैरह। हाँ। और क्वालिफिकेशन भी लेकर के उसका लाभ भी उठाना था, लेकिन पति सहयोग में आप जुड़ जाते हैं। Okay. और दूसरा दासत्व जीवन तो आपके जीवन में नहीं है। दासत्व मतलब पराधीन, किसी के अंडर में रहकर के जीवन व्यतीत नहीं, उल्टा स्वकार्य और खुद के कार्य बल से ही आगे बढ़ना और पति सहयोग, ये जबरदस्त आपका गुण माना जाता है। और जो भारत नारी में गुण होते हैं वो सर्व गुण संपन्न है। जैसे पति सेवा, सौभाग्यवती, पुत्रवती, तीनों गुण आनंदमय। अच्छा, अभी दर्शकों को एक और इंटरेस्ट रहता है जी, कि समझो हम अभी इस उम्र में है जी, तो आगे हमारा भविष्य क्या बोलता है। आगे का भविष्य आपका दिवाली पश्चात आपका बहुत बड़ा बेस्ट और ये नव मतलब बहुत उचित। दर्शकों संभलना, और आपका 2016 से लेकर 2022 का पीरियड गोल्डन पीरियड है। इसके अंदर आप अत्यंत लक्ष्मी, जल समान लक्ष्मी में। अरे बाप रे, मुझे संभालना पड़ेगा। नहीं नहीं, अवश्य आप संभलेगी, बॉडी गार्ड रखने पड़ेंगे। आप धैर्यवान हो, हिम्मतवान हो, हर चीज संभल सकते हैं। और आपके संयोग भी बहुत बड़े जी, ज्ञानी और सर्व इंटेलिजेंट और बहुत बड़े योग्य है, बुद्धिमान है। ओके पंडित जी, अभी हमारे स्टूडियो में एक और व्यक्ति हाजिर है जी, जिनका नाम है दर्शकों सीताराम यादव जी। सीताराम यादव जी हमारे पंडित जी से अपने चेहरे का फेस रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो दोनों की मुलाकात देखिए। पंडित जी आप यहाँ आ जाइए। नमस्कार। नमस्कार। आज तक जीवन में जो कुछ भी सोचा सब कुछ मिला, अच्छी तरह से मिला, हर चीज अच्छा मिला। अभी रिटायर हो गया हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आगे की लाइफ जो हमारी है, तो आप मेरा फेस रेडी करके बताएं कि आगे क्या क्या फेस देख रहा हूँ। वैसे आप सर्व गुणों में खेले हुए व्यक्ति हो, क्योंकि आपका मंगल और आपका बृहस्पति और चंद्र, ये तीन ग्रह का प्रभाव ज्यादा है, और ये यशस्वी प्रभाव रहने के कारण बाल्य परिसर में तो है ही नहीं आप, और स्व संघर्ष बल से आगे आए हुए हैं, और आज तक जितना कुछ करना था वो तो किया आपने, लेकिन अभी कुछ करने की उमंग भी जागृत है। कुछ आपके उम्र में होने के बाद कुछ लोग में सुस्तता, आलस्य, ये जागृत होता है, मगर वो आलस्य भाव आप में नहीं है, क्योंकि
ये मंगल चंद्र ग्रह अग्नि ग्रह है, ये तेज को बढ़ाता है, और ये चंद्रमा और जैसे नए नए विचारधाराएं ये निर्माण करता है। वैसे 2017 से परिवर्तन योग आपका आ रहा है। 14 जनवरी संक्रांति के बाद से ग्रह परिवर्तन परिवर्तन हो रहे हैं और आपके जीवन में कोई नया मोड, नया आभास योग आप पर आरम्भ होगा, जिसमें आपको संतुष्टि प्राप्त होगी। तो दर्शकों, आपके सामने उमेश जी स्वामी ने जो जो मेरे बारे में और सीताराम यादव जी के बारे में बताया, इसी प्रकार वो आपके बारे में भी बता सकते हैं। तो आपके जो भी प्रश्न होंगे वो बेल्जो टीवी के जरिए आप हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं। सबसे पहली बात, बेल्जो टीवी का ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, ads.segiola@gmail.com। इस पर आप अपने प्रश्नों को फॉरवर्ड कर सकते हैं और हम आपको दूसरे एपिसोड में इनके द्वारा मिले हुए आपके प्रश्न के जवाब पेश करेंगे। एक प्रश्न मेरा है जी, कि वो अपना फोटो भेजे या जन्म कुंडली भेजे। ओके, मतलब क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो आप बता दीजिए कि आपको उनसे क्या क्या चाहिए। बस आप अपना फोटो या पत्रिका जन्म कुंडली ये आप भेज सकते हैं, उसके आधार पर हम वर्णन कर वो सब कुछ बता सकते हैं। तो दर्शकों, इनकी जो रिक्वायरमेंट है आपका फोटोग्राफ और हो सके तो जन्म कुंडली या जन्म तारीख, नाम ठाम थोड़ा सा आपके बारे में बता दीजिए, तो हम आपके सारे सवालों के जवाब यूं दूसरे एपिसोड में देते रहेंगे।